सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने भारत की महिमा जानने के लिए, हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत की माटी की महिमा समझने के लिए। भारत कंकड़ पत्थर का ढेर नहीं है, कंकड़ पत्थर का कोई देश हो सकता है, लेकिन भारत में जब हमारी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है, हम हिमालय को नगाधिराज मान करके प्रणाम करते हैं। भारत के समुद्र की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, उसकी लहरों को जब हम देखते हैं, एक एक लहर में हमें परमात्मा की मुस्कुराहट और परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है। भारत की वनस्पतियों को जब हम देखते हैं, ये सिर हिलाते हुए पेड़ पौधे, ये हरे भरे पेड़ पौधे, ये प्रकृति की माता का साक्षात दर्शन होता है। हम उस प्रकृति माता की कृपा का अनुभव करते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन रक्षण के लिए जो कुछ हमें मिला है, हम उसे प्रणाम करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यहाँ माताएं बड़ी संख्या में बैठी हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बातचीत नहीं करो देवी की। एक बिटिया, ओ बिटिया, अरे बात मत कर, मेरी बात सुन। मैं कहने ये जा रहा हूँ कि आप लोग सावित्री व्रत धारण करती हैं, वट सावित्री का पूजन करती हैं, आप वट सावित्री के दिन बरगद का पूजन करने जाती हैं। बरगद का पूजन इसलिए करती हैं आप कि बरगद का पेड़ सतयुग में लगाया गया था, कलयुग में आज तक जीवित है। अगर विश्वास हो जाए आपके मन में, प्रयागराज में जाइए, किले के अंदर देखिए सतयुग कब रोपा हुआ, वो बरगद का पेड़ आज तक इतनी लंबी आयु लेकर कितनी शताब्दियां बीत गई, कितने युग बीत गए, लेकिन वो अपनी अमरता को लेकर आज भी खड़ा हुआ है। ये माताएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हे बरगद देवता, जितनी तुम्हारी आयु है, हमारे पति की आयु भी इतनी हो जाए, और ये आयु का वरदान बरगद ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास आयु का अक्षय भंडार है, इसलिए आप बरगद की पूजा करती हैं। मैं कनाडा में गया, अमेरिका में गया, वहां की बहनें मुझसे पूछने लगी, भारत के लोग बरगद की पूजा क्यों करते हैं, भारत के लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। अरे वैज्ञानिक आधार पर भी इसके उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि, हमारी धर्म बुद्धि हमें कुछ और बताती है। इसलिए लोगों के लिए ये भारत कंकड़ पत्थर का ढेर हो सकता है, लेकिन भारत के महर्षि अरविंद ने कहा था, उन्होंने पूछा लोगों ने, आप भारत को किस रूप में देखते हो, वो कहते हैं, भारत कोई भौगोलिक संगठन का नाम नहीं है, भारत भौगोलिक संगठन होते हुए भी भाव और भारत में जीवंत चेतना का हम दर्शन करते हैं, तभी तो दुनिया के लोग अपने देश की जय जयकार नहीं करते, अपने देश को माँ नहीं मानते, अपने देश को बाप भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन हम हिमालय को नगाधिराज मान करके, देवाधिदेव नगाधिराज मान करके हम उसे प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि ये धरती केवल जड़ धरती नहीं है, ये धरती चेतन है। अगर ये धरती चेतन नहीं होती तो धरती के अंदर से सीता प्रकट नहीं होती, इसलिए सीता, सावित्री, गायत्री, इनका दर्शन करने वाले हम लोग जीवंत चेतना का दर्शन करते हैं। हमारे साथ जो ध्वज चल रहा है, ये ध्वज हमारे धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, हमारी सामाजिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके यहाँ मंच पर उपस्थित हो गया है। आदि शंकराचार्य जी भगवान की जो चरण पादुका है, प्रतीकात्मक रूप से वो यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, आप उनका दर्शन करें, इसके बाद आप उनका पूजन करेंगे। जब हम संतों के चरणों की पूजन करते हैं, उनकी चरण धूलि अपने माथे पर रखते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन के आप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। भारत एक जीवंत चेतना है, ये महर्षि अरविंद ने कहा था। अरे स्वामी विवेकानंद ने, किसी ने उनसे पूछा कि आप समुद्र की गहराई में देखते हैं, आंख बंद करते हैं, उस शिला पर, भाई बातचीत मत करो, उस शिला पर बैठ करके आप समुद्र की गहराई में क्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दुनिया के लोग समुद्र की गहराई में आगाध जल देखते होंगे, दुनिया के लोग समुद्र की गहराई में विशाल विशाल जन जंतुओं को देखते होंगे, लेकिन भारत का एक तपस्वी, भारत का एक साधक, भारत का अध्यात्म उपासक, भारत में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला मैं साधक जब समुद्र की गहराई में देखता हूँ, तो मुझे हिंदू जीवन की गहराइयां दिखाई पड़ती है, हिंदू जीवन दर्शन की गहराइयां दिखाई पड़ती है। ऐसी आध्यात्मिक भूमि पर हमें सौभाग्य से जन्म लेने का अवसर मिला है। आज से 1200 साल पहले केरल की धरती पर, दक्षिण भारत में केरल प्रांत है, केरल की, भाई अभी देखो, अभी बैठ जाओ, ये रथ का सामान यहाँ आ गया है, आप यहाँ दर्शन करो, उसको मत देखो, ये जब वहाँ जाएगा तब रथ भी दिखाई पड़ जाएगा, इसलिए ऊंचो कुचक करके सभा को बिगाड़ो मत, ध्यान से सुन लो, मैं आपकी कहानी भी सुना सकता हूँ, और ये मैं वो भी बताने जा रहा हूँ जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए।
क्योंकि हमें आज की पीढ़ी को शंकराचार्य को उनके हृदय में बिठाना है। यदि आप शंकराचार्य का विस्मरण कर जाएंगे, भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय हो जाएगा, भारतीय संस्कारों की परंपरा के साथ अन्याय हो जाएगा। ये शंकराचार्य भगवान के बारे में बता रहा हूँ। 1200 साल पहले केरल की धरती पर एक छोटा सा गांव है, आज भी वो गांव है, उसका नाम है कागली गांव, और उसको कुछ लोग काटली गांव भी कहते हैं। चाहे कागली हो चाहे काटली हो, ये भारतवर्ष का गांव है। 5,75,000 गांव में परिगणित एक गांव है। 1200 साल पहले वहां दंपति रहते थे, वृद्ध दंपति रहते थे। उनके जीवन में एक आशा थी कि हम पुत्र प्राप्त करें, लेकिन वो आशा उनकी निराशा में बदल गई। भगवान शंकर की आराधना करते थे। उन दंपति का नाम था शिव गुरु, उनकी पत्नी का नाम था विशिष्टा, कहीं कहीं उनको चेन्नम्मा भी कहते हैं, शायद वो वहां की भाषा में चेन्नम्मा बड़ा प्रिय शब्द होगा। ये दोनों पुत्र की आशा लेकर निराश हो चुके, क्योंकि जीवन में अब कोई सामर्थ्य नहीं। लेकिन वो रात में जब विश्राम में चले गए, शिव की वंदना करने के बाद भगवान भूत भावन आशुतोष उनके दोनों के स्वप्न में एक साथ आए। बोले क्या चाहते हो? बोले हम वृद्ध दंपति हैं। बोले आपने हमारी जीवन पर आराधना की है, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। उन्होंने कहा पूजो वरदान मांगना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य नहीं बचा, इसलिए हमारे अवचेतन मन में एक भावना है कि हमें पुत्र रत्न मिले। भगवान शंकर ने कहा जाओ, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र मिलेगा। 10 माह के बाद उनके घर में एक नन्ना सा शिशु आया। अरे उन्नत ललाट, ऐसा मुखमंडल, देवकीर्तन मुखमंडल, मानो करोड़ों सूर्य का तेज जिसके मुख में चमक रहा हो, वो उनके घर में जन्मा। उसको प्यार से, क्योंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके घर में वो पुत्र आया था, इसलिए उनका नामकरण उन्होंने शंकर किया। और ये शंकर अद्भुत प्रतिभा का था। भाई डिस्टर्ब मत करो, आप लोग मेरा ध्यान इधर उधर बढ़ता है, मैं आप बच्चों को सुना रहा हूँ, बूढ़े भी सुनेंगे, उनको भी कुछ मिलेगा, लेकिन मंच में आकर के कोलाहल करूंगे तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा और टूट जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए ध्यान बने रहने दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अमित छाप छोड़ करके यहाँ से जाऊंगा मैं। ये बच्चे घर में जाके अपने माता पिता से चर्चा करेंगे। अरे मुझे तो वो याद आता है रीवा का वो दृश्य, 108 नन्हे नन्हे बालक और बालिकाएं, कोई शंकराचार्य बन के आया था तो बालिकाएं उभय भारती बन करके बैठी हुई थी। मुझे लगा कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तब घर में कहेंगे, मोहल्ले में कहेंगे, जहां जाएंगे कि हमने बचपन में दंड धारण किया था, हम शंकराचार्य बने थे। शंकराचार्य कैसे थे उनकी कहानी वो जानना चाहेंगे अपने माता पिता से। वो नन्ही बालिका कहेगी मैं उभय भारती बनकर बैठी थी, ये उभय भारती कौन थी? तो बताया जाएगा कि मंडन मिश्र की पत्नी थी उभय भारती, जिसने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। ये बात अलग है कि शंकराचार्य ने उन्हें परास्त कर दिया वाद विवाद में, और अंत में वो शारदा, वो सरस्वती कहने लगी कि आपने मेरा पति तो छीन लिया, मेरे पति को आपने सन्यासी बना लिया, पर मेरे बारे में आपने क्या सोचा? शंकराचार्य ने कहा भारती तुम्हें हमेशा के लिए अमर करके जा रहा हूँ, भारती मैं कभी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित करने आया था। लेकिन मंडन मिश्र ने जब हार स्वीकार करने की तो तुमने खड़े होकर कहा मेरा आधा अंग अभी हारा है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो, मैंने तुम्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा नहीं था भारती, तुम स्वयं मेरे सामने खड़ी हो गई शास्त्रार्थ करने के लिए, अपने पति को विजयश्री दिलाने के लिए, इसलिए मैंने 1 महीने का समय मांगा, उसके बाद तुम्हारे पास आया हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। अब तुम पराजित होकर के पूरी तरह से मंडन मिश्र की झोली में पराजय डाल रही हो, तो मंडन मिश्र से और मेरे बीच में जो शर्त हुई थी, जो हारेगा जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा, आज मंडन मिश्र मेरा शिष्य बनने जा रहा है। लेकिन भारती मैं तुम्हारे इस योगदान को कभी विस्मरण नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए एक वचन देता हूँ। तुम सोच रही हो कि मंडन मिश्र सन्यासी बन गए, अब संसार में भारती को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए उभय भारती सुनो, मैं 4 मठों की स्थापना करने जा रहा हूँ। एक मठ होगा गोवर्धन मठ, दूसरा होगा ज्योतिर्मठ, तीसरा होगा श्रृंगेरी मठ, ये तीनों मठ पुरुषवाची मठ होंगे, लेकिन चौथा मठ मैं जो बनाने जा रहा हूँ द्वारिका में, उसका नाम शारदा मठ रखूंगा। तुम सरस्वती का अवतार हो, इसलिए तुम्हारे पर्यायवाची नाम के आधार पर मैं उस मठ की स्थापना करूंगा। शंकराचार्य स्त्री विरोधी नहीं थे, शंकराचार्य ने देवियों की स्तुति की। मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी
काफी संख्या में पुरुष के साथ साथ यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। शंकराचार्य ने नारी जाति का हमेशा सम्मान किया है, उन्होंने भगवती की आराधना की है, उन्होंने क्षमा प्राध नाम का स्तोत्र लिखा है। न मंत्रम नो तंत्रम तदपि न जाने स्तुति कथा। इस प्रकार से उन्होंने कहा, माँ ये पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ तुम कभी कुमाता हो नहीं सकती। कुपुत्र